अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ फाइन. आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर. आज का मेरा लेक्चर नंबर है 18 फॉर क्लास 10. और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम क्लास 10 बायोलॉजी, होम्योस्टेसिस के बारे में. होम्योस्टेसिस के बारे में जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि होम्योस्टेसिस है क्या. जब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो रही मुख्तलिफ चेंजेस से प्रिवेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ होम्योस्टेसिस. मुख्तलिफ ऐसे प्रोसेसेस हैं जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आउटर इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस हैं. इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज हो रही है. अगर हमारी बॉडी इसको कोप अप ना कर सके और उन चेंजेस के साथ साथ बॉडी के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाएं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गेन्स द एंजाइम्स दे विल स्टॉप वर्किंग, क्योंकि उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के हिसाब से फंक्शन कर सकते हैं. और अगर इसी तरह टेम्परेचर हाई हो गया तो एंजाइम्स जो हैं दे विल डी नेचर होने के बाद वो फंक्शन नहीं करेंगे और हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, पर्सन की डेथ हो सकती है. इसीलिए कुदरत ने हमारी जो नेचर है उसने हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स बल्कि प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके वे ऑफ लिविंग के हिसाब से इस तरह के सिस्टम्स डेवलप हुए हैं जो उनके अंदर होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेन्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस प्ले कर रहे हैं. अब पूरी बॉडी जब एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करती है तब उसके अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस होता है. हमारी बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गेन्स को डिफरेंट फंक्शंस दिए जाते हैं और उन फंक्शन को फुलफिल करके हमारी बॉडी अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करती है. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं होम्योस्टेसिस में, होम्योस्टेसिस मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, जैसे कि थर्मोरेगुलेशन से, यानी कि बॉडी के अंदर किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है तो उसको हमारी बॉडी किस तरह से कोप अप करेगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट के अंदर ही रहे, ज़्यादा चेंज ना हो सके एनवायरनमेंट के हिसाब से. अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत लो हो गया है तो उसमें किस तरह से हमारी बॉडी रोल प्ले करेगी ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके. तो दैट इज़ इन द थर्मोरेगुलेशन. अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड है ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी के अंदर किस तरह से वाटर और सॉल्ट्स वगैरह की कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि अगर एक्सटर्नली चेंजेस आ भी रही हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी हाई नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, तो किस तरह से बॉडी जो है वर्क करेगी, फंक्शन करेगी ताकि बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन को कैरी ऑन किया जा सके. तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. किडनीज है क्या? दीज आर द ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी. ये करती क्या है? ये हमारी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अब यूरिन प्रोडक्शन है तो उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं. अब ऐसा नहीं है कि जब यूरिन प्रोडक्शन होती है उसको हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल के तौर पर बाहर निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जितना भी वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, जितने भी सॉल्ट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, तमाम के तमाम निकाल दिए जाएंगे. ना ही ऐसा होता है कि तमाम के तमाम वाटर और सॉल्ट को बॉडी के अंदर ही कंजर्व किया जाए और उनको एग्जिट ना होने दिया जाए. तो यहाँ पे किडनीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वो डिटेक्ट करती हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है सॉल्ट और वाटर की, और उस हिसाब से उस उतनी अमाउंट को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर दोबारा भेज देती हैं और बाकी के जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने में काम आती है. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज
ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनीज ये किस तरह से अपने फंक्शन को प्ले करके ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती हैं। ऑब्वियसली जब हमने कहा कि किडनीज का एक मेन रोल है कि दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, तो यूरिन के अंदर सॉल्ट्स भी हैं, यूरिन के अंदर वाटर भी है, तो यहाँ पे जब किडनीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है सॉल्ट वाटर की उसको मद्देनजर रखते हुए वो यूरिन प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन को एबंडेंटली अवेलेबल है वाटर, तो उसके जो किडनीज होंगी वो ज़्यादा वाटर को रिजर्व नहीं करेंगी, क्योंकि अवेलेबल है, बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सिमिलरली अगर जैसे समर सीजन में अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा नीड है, तो उस वक्त यूरिन प्रोडक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, कम होती है। वाई? बिकॉज वाटर इज़ नीडेड इन द बॉडी, जितना वाटर बॉडी को मिल रहा है वो या तो बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर ज़रूरत के मुताबिक पूरा पूरा है, तो उस वक्त किडनीज जो हैं ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन नहीं करती ताकि बॉडी के अंदर से, या अगर यूरिन प्रोडक्शन होती है तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है ताकि बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को निकाला ना जा सके, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर सॉरी, ताकि बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वाटर की उसको रिजर्व किया जा सके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जब ऑस्मो रेगुलेटरी की, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस टर्म ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन इज डिफाइंड एज रेगुलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग टू मेन थिंग्स की बात करेंगे, फर्स्ट वन इज़ वाटर, सेकेंड वन इज़ सॉल्ट्स। तो जब हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो मौजूद ब्लड है और बाकी के बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह से मेंटेन किया जाए कि आउटर जो चेंजेस हैं वो इनको ज़्यादा अफेक्ट ना कर सकें। ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी किडनीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। किस तरह से, बाय रेगुलेटिंग द वाटर कॉन्टेंट ऑफ ब्लड, क्योंकि किडनीज का काम क्या है, ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया सॉल्ट्स वगैरह वाटर, उन वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करना ब्लड के अंदर से और उनकी मदद से यूरिन प्रोडक्शन करना। तो जब किडनीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस आप माइंड में रखें कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन एवरी सिचुएशन फॉर द बॉडी, क्योंकि अगर एक्सेसिव लॉस यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लॉस हो गया बॉडी के अंदर से वाटर का, तो उसकी वजह से बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि वहाँ पे बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और वाटर की अमाउंट कम हो जाती है। जबकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में चले जाते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर द लिविंग कंडीशन ऑफ द बॉडी, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसको एक्सक्रीट ना किया गया तो वो पूरे बॉडी फ्लूइड्स को डाइल्यूट फॉर्म में ले आएगा, दैट विल बी बैड फॉर द बॉडी। और इसी तरह से अगर ज़रूरत से ज़्यादा वाटर बाहर निकाल दिया तो वो बॉडी को, बॉडी के जितने भी सॉल्ट्स बॉडी फ्लूइड्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएंगे और इस वजह से बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो सही प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। मूविंग ऑन, अगर हम जब देखते हैं कि व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मौजूद हो, तो बॉडी फ्लूइड्स विल नॉट बी एक्टिंग एज अ नॉर्मल, दे विल बिकम हाइपोटोनिक, वो हाइपोटोनिक सिचुएशन में चले जाएंगे। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, ऐसी सिचुएशन बॉडी के अंदर जिसके अंदर वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है, सॉरी वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होती है और सॉल्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है। ये जो सिचुएशन है इसे हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सिचुएशन है, इसमें जो है बॉडी फ्लूइड्स दे विल बिकम डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है कि वाटर की अमाउंट ज़्यादा होना और सॉल्ट्स की अमाउंट कम होना।
अब ये डायल्यूट, ये जो हाइपोटोनिक कंडीशन है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। और अगर इस तरह के बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर मौजूद है तो किडनीज यहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे, दे विल एक्सक्रीट द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। किस तरह से एक्सक्रीट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जो यूरिन बनेगी उसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट्स, तो जिसकी वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होती है ऐसी हाइपोटोनिक सिचुएशन में, उसको हम लोग डायल्यूट यूरिन का नाम देंगे। कि यहाँ पे किडनीज ने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले किया, कि वाटर की जो एक्सेस अमाउंट थी उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करके। तो ये किस तरह से ये अपना पर्पस फुलफिल करती हैं, किस तरह से किडनीज जो हैं हाइपोटोनिक या फिर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द वर्किंग ऑफ द किडनीज, कि किडनीज किस तरह से फंक्शन करती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उनके अंदर मौजूद हैं और किस तरह से उनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पे वाटर और एक्सेस सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर से बाहर निकाला जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि फंक्शनल यूनिट हैं किडनीज के, यानी कि देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनीज और वो नेफ्रॉन्स आगे से फर्दर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के मिलके बने होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था देयर वॉज अ कैप्सुलर स्ट्रक्चर, एक कैप्सूल के तरह का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ब्लड वेसल जो है एंटर होती हैं, टाइनी ब्लड वेसल्स, और इस तरह से यहाँ से निकलती हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यहाँ पे किडनीज इस अपने स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि ये आ रही हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इनके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, तो उस ब्लड के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होगा, जितना भी एक्सेस सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, जब वो ब्लड इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए बाउमन कैप्सूल के अंदर आएगा, तो वो यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, दे विल बी रीअब्जॉर्ब बाय द किडनी, उनको एब्जॉर्ब करके जो है ब्लड के अंदर से निकाल के आगे किडनी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाएगा और उस फाइनली वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के तौर पे पूरी ये एक्सेस मटेरियल्स को सेंड कर दिया जाता है। सो यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, यहाँ से जो एक्सेस मटेरियल एब्जॉर्ब होंगे जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो फिर किडनीज के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसको हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहते हैं, जो कि बॉमिंग कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे किडनीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाय रिमूविंग द एक्सेस वाटर या फिर बाय रिमूविंग द एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, और उनको वेस्ट मटेरियल के तौर पे निकाल दिया जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने बात की है हाइपोटोनिक सिचुएशन की। इसी तरह से हाइपोटोनिक सिचुएशन में जो सिचुएशन है जहाँ पे वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा बॉडी को मिल रही है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इस सूरत हाल में जब ब्लड वेसल्स यहाँ पे एंटर होती हैं, तो हमारे बॉडी को मालूम है कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो चुकी हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यूरिन के तौर पे बाहर निकाला जाएगा और बहुत कम वाटर के अमाउंट जो है वो रीअब्जॉर्ब होगी। तो इसकी वजह से क्योंकि ज़्यादा वाटर यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, बॉडी के बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, तो हमारी जो यूरिन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ डाइल्यूटेड यूरिन। डाइल्यूट यूरिन है जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। अब इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट होती है, प्रोड्यूस होकर एक्सक्रीट होती है, उतना ही बॉडी के अंदर से एक्सेस जो फ्लूइड्स हैं वो निकल जाते हैं और हमारी बॉडी दोबारा से होम्योस्टेसिस यानी कि एक बैलेंस पे आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किडनीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि जब बॉडी के पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, अगर किडनीज प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के अंदर वाटर की वाटर बिल्डअप हो जाएगा, इट विल लीड टू मेल फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए यहाँ पे किडनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि एक्सेस वाटर को टाइमली बाहर निकाला जाता है बॉडी के अंदर से, उसको बिल्डअप नहीं होने दिया जाता, उसको जमा नहीं होने दिया जाता बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे जो हमने सिचुएशन देखी है दैट इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक व्हेन देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर।
अब हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो हम लोग मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करते हैं, जिसमें से एक सिचुएशन थी हाइपोटोनिक, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पे अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, ज़रूरत से ज़्यादा वाटर जो है बॉडी के अंदर मौजूद है. द सेकेंड सिचुएशन दैट इज ऑपोजिट ऑफ दिस सिचुएशन दैट इज द हाइपरटोनिक सिचुएशन. हाइपरटोनिक सिचुएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर की सप्लाई बहुत कम है, वाटर की जो मिकदार है बहुत कम है और सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है. तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सिचुएशन. तो व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब पानी की कमी है, जब पानी बहुत ज़्यादा बॉडी को अवेलेबल नहीं है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी की कमी है, पानी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो उस वक्त क्या करेंगी कि किडनीज जो हैं लेस वाटर को फिल्टर करेंगी. जब वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर हो रहा है, बाउमेन कैप्सूल में एंटर हो रहा है, तो पहले हमने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट कर दिया जाता था बॉडी से वेस्ट मटीरियल के तौर पर. बट नाउ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज है, तो वाटर कम से कम फिल्टर होके किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट किया जाएगा बॉडी से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर वाटर की शॉर्टेज है. तो बजाय इसके कि किडनीज अपना रोल प्ले करें और हाइपोटोनिक सिचुएशन की तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करें, तो ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर जो यूरिन प्रोड्यूस होगी वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी के डिफरेंट फंक्शन में वो रोल प्ले कर सके. यहां पे होती है हाइपरटोनिक कंडीशन में लेस रीअब्जॉर्प्शन होती है, सॉरी लेस फिल्ट्रेशन होती है, कि एक्सेस वाटर को, मतलब यहां पे एक्सेस वाटर तो है नहीं, और जितना भी वाटर है उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, और मोर रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि जितना भी वाटर जो है किडनीज तक पहुंचा है थ्रू ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर, दोबारा भेजा जाता है, ताकि बॉडी जो है इस एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके, इस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके और शॉर्टेज को नॉर्मलाइज किया जा सके. इस सूरत हाल में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ हाइपरटोनिक, इट इज़ स्मॉल इन अमाउंट, और जो हाइपोटोनिक यूरिन था दैट वाज लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, और हाइपरटोनिक होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जिसके अंदर वाटर काफ़ी कम होता है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है. अब इससे क्या होगा कि जब ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की जो बॉडी के अंदर शॉर्टेज हुई हुई है रीअब्जॉर्प्शन के बाद, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी. इससे बॉडी फ्लूइड्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होकर दोबारा नॉर्मल पे आना स्टार्ट हो जाएगी. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल. अब किडनीज अपना फंक्शन करती हैं, चाहे वो हाइपरटोनिक सिचुएशन में है, चाहे वो हाइपोटोनिक सिचुएशन में है, लेकिन वॉट इज द मेन थिंग दैट इज कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ किडनी. किडनीज को किस तरह से पता चलेगा कि इफ देर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स और इफ देर इज एन एक्सेस वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स. तो पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है. हमारा नर्वस सिस्टम के जरिए मैसेज भेजा जाता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है. हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो हमारी किडनीज को मैसेज देंगे कि वेदर दे हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू हाइपोटोनिक. जब वो हाइपोटोनिक सिचुएशन के हिसाब से किडनीज फंक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर देंगी, ज़्यादा वाटर को जाने देंगी बॉडी से और कम रीअब्जॉर्प्शन करेंगी. और इसी तरह अगर हार्मोनल कंट्रोल उन केमिकल्स के जरिए किडनीज को मैसेज भेजा जाता है कि वो हाइपरटोनिक सिचुएशन के हिसाब से काम करें, तो उस सूरत हाल में किडनीज क्या करेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेंगे और कम से कम जो है वो फिल्ट्रेशन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सके, बॉडी के अंदर दोबारा से सेंड किया जा सके. तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज. इसमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ सिचुएशन में किडनीज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में किस तरह से इनके फंक्शन चेंज हो जाते हैं. अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है तब किडनीज किस तरह से फंक्शन करेंगी, अगर लेस सप्लाई ऑफ वाटर है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तब किडनीज का फंक्शन किस तरह से चेंज हो जाता है. और हमने ये भी देखा है कि किडनीज का फंक्शन में जो हार्मोन्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हार्मोन्स के जरिए किडनीज को मैसेज दिया जाता है और इस हिसाब से किडनीज जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उस हिसाब से किडनीज अपने फंक्शन को चेंज कर लेती हैं. तो उम्मीद है आपको अभी तक के लेक्चर की समझ आई. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.